उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौ सेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए ये अवसर दीपावली जैसा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में, जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी इस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर हमको निकालेंगे।